देखिए आरएसएस के दबाव में तो पूरा देश है, आरएसएस के दबाव में पूरे देश की एकता और अखंडता को, सांप्रदायिक सौहार्द को खंडित करने का प्रयास हो रहा है। और मेरा तो ये कहना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत की राजनीति का एक ऐसा कोण है कि जिसको जितनी जल्दी समाप्त कर दिया जाए उतना जल्दी इस देश के लिए आवश्यक है। और हमारे नेता स्वर्गीय राजनारायण ने सबसे पहले आरएसएस नाम की इस संस्था को काला नाग कहा था, और हम फिर कहना चाहते हैं कि आरएसएस नाम की संस्था भारत माता को लगातार डसने का काम करती है, और इस संस्था को वैचारिक तौर पर नेस्तनाबूद करना समाजवादियों की संकल्प है, हमारी प्रतिबद्धता। विधायक जी, एक आपका पोस्टर वार चर्चा में चल रहा है आजम खान पुर रिहाई को लेकर, क्या पूरा प्रस्ताव है? देखिए, वो मेरा पोस्टर नहीं है, वो पोस्टर समाजवादी पार्टी विधानसभा क्षेत्र सुल्तानपुर के समस्त कार्यकर्ताओं की भावनाओं की अभिव्यक्ति है। वो उनका प्रेम है कि उन्होंने उस पोस्टर में भी मेरी तस्वीर डाली है। माननीय आजम खान साहब भारत की राजनीति के एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने धर्मनिरपेक्षता, सहनशीलता और गरीबों, कमजोरों, मजलूमों की भलाई के लिए आजीवन संघर्ष किया, और उनको तमाम फर्जी मुकदमे लगा करके उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने बदले की भावना से उनको और उनके परिवार को लगातार पिछले कई महीनों से जेल में रखा है। तो जो पोस्टर हमने लगाया है वो उत्तर प्रदेश की जनता की भावनाओं की अभिव्यक्ति है। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ये चाहती है कि माननीय आजम खान साहब को तत्काल रिहा किया जाना चाहिए, और जिससे वो बाहर आकर के अपना जनता के हित का काम कर सके, और उत्तर प्रदेश की सरकार अपनी पोल खुलने के डर से आजम खान साहब को बाहर नहीं आने देना चाहिए। विधायक, सिस्टम पर समाजवादी पार्टी को यकीन नहीं है, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, इसमें जुडिशरी सिस्टम का सवाल नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी किस मुँह से न्यायपालिका पर विश्वास की बात करती है। न्यायपालिका के इस्टे के बावजूद उन्होंने बाबरी मस्जिद को ढहाने का काम किया। न्यायपालिका ने रोक लगाई कि जो सीएबी और एनआरसी के विरोध में जो आंदोलनकारी हैं उनकी होर्डिंग न लगाई जाए। उन्होंने विधानसभा में प्रस्ताव पास करके उसके बावजूद उनकी होर्डिंग लगवा करके रखी। उत्तर प्रदेश की सरकार को तो न्याय व्यवस्था की बात करने का अधिकार ही नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार तो अन्याय, अत्याचार और अहंकार की सरकार है, और जितनी जल्दी ये सरकार उत्तर प्रदेश से जाएगी उतनी जल्दी उत्तर प्रदेश का भला होगा। पार्टी के विधायक बोल रहे हैं, अनूप संडा, उनका एक स्टेटमेंट आया है कि आरएसएस काला नाग है जो भारत माता को डसने की कोशिश करता है, क्या कहेंगे इसमें? ऐसा है, अनूप संडा जी का ये व्यक्तिगत बयान है अपनी राजनीतिक छवि सुधारने के लिए, मुसलमान वोट बैंक की वो राजनीति कर रहे हैं, और रही बात जहां तक वो संघ को काला नाग कह रहे हैं, तो ये समाज के स्वयं में ये काला नाग है जो स्वयं को हिंदू कहने में कतरा रहे हों, अपने आकाओं को व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थ के लिए समाजवाद का जो नारा लगा रहे हैं, समाजवाद समाजवाद, इन समाजवादियों को पता ही नहीं है कि संघ क्या करता है। संघ के पास दो ही काम है, राष्ट्रभक्ति और देवभक्ति। दोनों का पाठ अपने नवयुवकों को सिखाया जाता है, उनको बताया जाता है। और रही बात इनका जो ये है, तो इस समय अब कुछ तो बचा नहीं है विपक्ष के आगे, सारी व्यवस्था इनकी भंग हो चुकी है, न इनके आकाओं के पास कुछ बचा है, न इनके पास बचा है। तो सिर्फ संगठन को गाली देने से और संगठन को बुरा भला कहने से अपनी
हाईलाइट करने की, अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसमें मुसलमान लोग यह समझे कि नहीं, मैं उनका बहुत बड़ा हितैषी हूँ। यह उनका व्यक्तिगत बयान है और बयान के साथ साथ अपने नेताओं को प्रसन्न करने के लिए कि 22 में हमें पुनः टिकट मिले और समाजवादी जैसा चेहरा हमारा बना रहे, सेकुलरवादी बने रहें, इसलिए वो अपना ये बयान दिए हैं। इसकी मैं कड़े शब्दों से निंदा करता हूँ कि ये संघ के बारे में, संघ की ABCD को नहीं जानते हैं और संघ को काला नाग बता रहे हैं, तो ये तो हमको लगता है कि समाज के सबसे बड़े काला नाग तो यही हैं। आरोप लगाया है सबसे बड़ा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम सदैव समाजवादियों ने किया है, चाहे 90 में गोलीकांड हो, चाहे बहनों के बलात्कार के बयान हो, इनके बराबर इनके मुखियों का बयान आता रहा है। इनका तथाकथित एक नेता जो इस समय अभी जेल में है, कुछ दिन पहले चुनाव में बताइए महिलाओं के प्रति इनका कितना आदर भाव और सम्मान है, अब आप लोग को से छुपा नहीं है चूंकि आप लोग मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं। तो तमाम तरह के ऐसे बयान इनका टाइम टाइम पे चलता रहा है और टाइम टाइम पर ये करते रहे हैं। RSS या विश्व हिंदू परिषद क्या इस पर कोई वैधानिक कार्रवाई करेगा? वैधानिक कार्रवाई करने लायक ही नहीं है, चूंकि इनके ऊपर हम किसी भी प्रकार करेंगे तो ये हाईलाइट होना चाहते हैं, हमारी प्रतिक्रिया जान करके ये अपने आप को हाईलाइट करना चाहते हैं। बाकी हैं ये क्या, इनके जैसा नेता तो हम लोग रोज बनाते हैं और बिगाड़ देते हैं।